ये जो हमारा सिक्स ट्रेडिंग सेटअप है ईएमए 9 और 15 स्ट्रेटेजी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो ईएमए 9 15 स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट में 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पे आप इंडिकेटर पे जाइएगा और यहाँ पे आप ईएमए सर्च करिएगा। ईएमए सर्च करने के बाद में आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2 बार क्लिक करिएगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया आपका, ईएमए लिखना तो 9 और ईएमए 9 आ रहा, ठीक है। इसको आप ब्लू ही रहने दीजिए, ऊपर का कोई सेटिंग चेंज मत करिए। और यहाँ पे आप सेटिंग में जाइए, दूसरा में सेटिंग में जाने, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप रेड कर दीजिए कलर। इनपुट में जाइए, इनपुट में जाने के बाद में इसका लेंथ आप 15 कर दीजिए, ठीक है। 15 करेंगे तो इसका कलर यहाँ पे देखते हैं रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कलर रेड होने के बाद में अब यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जब भी ब्लू वाला लाइन क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है तब आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, और जब भी रेड वाला लाइन ऊपर से नीचे की ओर जाता है तब आपको यहाँ पे पुट खरीदना है। तो सिर्फ यही है यहाँ ये सेटअप में, आपको देख सकते हैं रेड वाला लाइन यहाँ पे ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे रेड पूरा यहाँ पे पुट ऑप्शन का ट्रेड बना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से भी रेड वाला नीचे आया तो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ से पूरा नीचे पुट का ट्रेड बना है, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट में, जैसे ये साइडवेज मार्केट में आपको वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पे आपका ये ऊपर पूरा ट्रेड बना है। तो ये जो सेटअप है ना आपका 9:15 ईएमए, ये आपका इंटरडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी ये दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कब कब नहीं लेना है, ट्रेड आपको कब कब नहीं लेना है, जब भी ये अगर आपका जैसे देखेंगे ना, ये देखिए ये सीधा बन रहा है, ये जब भी ये क्रॉसओवर हो रहा है लेकिन ये सीधा बन रहा है तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सेम ट्रेंड में ही था, ये डाउन ट्रेंड में ही था, और यहाँ पे देखिए इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा बना है, यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे रेड वाला, और ये देखेंगे तो गैप थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसे डाउन स्लोप में करना है या ऐसे पूरा अप स्लोप में रहेगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये देखिए ये पूरा ऐसे डाउन बना है तब आपको इसमें ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा सीधा बना है तो ऐसे जगह पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ऐसे पूरा थोड़ा डाउन थोड़ा कर्व जैसा बनना चाहिए, ऐसे डाउन पूरा ऐसे नीचे बना है, यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, छोटा सा प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे आप छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस ओवर हुआ और ये ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे आप ऐसे जगह पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर में 9:15 आप लगा लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करिए, और जब जब क्रॉस ओवर हो रहा है क्रॉस ओवर के होने के बाद पे यहाँ पे कहीं पे आप ट्रेड लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ पे पुट ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे कॉल ऑप्शन लीजिए। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग करिएगा, तो स्कैल्पिंग कर करके आप ट्रेड करिएगा यहाँ पे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ना यहाँ से ये डाउन में नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है। आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया हुआ, एंटर किया हुआ, मान के चल लीजिए आपने यहाँ कहीं पे लिया हुआ, अभी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो अब यहाँ पे आप वेट करिए, प्रॉफिट बुक करिए। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी ये बड़ा सा कैंडल ग्रीन बन गया ना एक ही बार में, अगर बड़ा कैंडल ग्रीन बन गया तब आप यहाँ पे तुरंत आप एग्जिट कर दीजिएगा। अब मान के चल लीजिए आपने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया है, अब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अब यहाँ बड़ा सा ग्रीन बना तो आप यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर दीजिएगा। जो लोग होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को इस ट्रेड में, तो कहीं पे भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा कैंडल कुछ अपोजिट बन जाता है, मान के चल लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे ट्रेड लिया, आप पूरा होल्ड करके रखे हो, पूरा होल्ड करके रखे हो, यहाँ तक होल्ड करके रखे हो, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, लेकिन ये रेड कैंडल नहीं बना, फिर ये ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर गया, यहाँ पे देखते हैं यहाँ से आप रेड बना तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये सेटअप को आप यूज कर सकते हो। तो ये डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है ना, तब आप ये नीचे आ रहा है तो नीचे जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, यहाँ से पूरा नीचे गया, तब आप यहाँ पे इंट्राडे में स्कैल्पिंग कर रहे थे, आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो नीचे में जा रहा है तो यहाँ पे एक ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक किया आपने, फिर नीचे आ रहा है तो ये नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे ये साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगा, देख सकते हैं एक ही साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगा, अप ट्रेंड रहेगा तो करेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा तो करेगा। अब यहाँ पे कहीं पे आपने ट्रेड लिया, ये नीचे आया, यहाँ पे कहीं पे आप डर से यहाँ पे आप एग्जिट कर दोगे, बड़ा सा वो बनाया, फिर आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में आपको दोबारा ट्रेड मिला, ऊपर की ओर लीजिए ट्रेड, और ऊपर गया और ऊपर गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये फिर ये लाइन में ये वाला बड़ा वाला कैंडल टच हुआ है, तो आप अप ट्रेंड में आप यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लीजिए और ऊपर गया, स्कैल्पिंग करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आप यहीं कहीं ट्रेड लेते, यहाँ पे ऊपर की ओर गया, आपको यहाँ पे आराम से 15-20 पॉइंट आपको स्कैल्पिंग में मिल जाएगा। आपको
स्केल्पिंग में आपको तुरंत आपको बड़ा इतनी छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है आपको। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल बना, तो आप यहाँ पे क्या ये नीचे भी आ सकता है ना, तो आप यहाँ पे स्केल्पिंग करिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलिए। यहाँ पे जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है तब तब यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से आप लेते ट्रेड, लेकिन यहाँ पे जैसे ही रेड बना आप यहाँ पे निकल जाते हैं। आप यहाँ पे ग्रीन बना बड़ा सा, आप यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। आप यहाँ पे तो यहाँ से कहीं से लिया आपने और यहाँ पे आपने कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो ये सेटअप से भी आपको ट्रेड बहुत मिलेंगे। तो अप ट्रेंड में रहेगा तो आप अप ट्रेंड में ही ट्रेड लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया ऊपर गया मार्केट ऊपर गया अब यहाँ पे कहीं पे आया ना तो ये क्रॉस तो हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे पुट का ट्रेड मत देखिएगा। ट्रेंड ऊपर है तो अप का ही और ट्रेड लेना आपको। इसको जैसे टच किया यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए और ऊपर गया ये, फिर यहाँ पे टच किया ये, फिर यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए आप, यहाँ पे टच किया ये, यहाँ पे ट्रेड। जब जब ये बड़ा तरीके से कैंडल टच करेगा ना तब आप यहाँ पे इसको दोबारा ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे ट्रेड लेके दूसरा ट्रेड आप यहाँ पे ले लीजिए, तीसरा ट्रेड आप यहाँ पे ले लीजिए, इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप साइडवेज में ये नहीं, बिल्कुल काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में रहेगा मार्केट तब काम कर। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर तुरंत अच्छे गया, अच्छे से गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टच किया, यहाँ पे लिया आपने ये, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे ट्रेड लिया ऊपर गया, यहाँ पे टच किया ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। लेकिन ये ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे मैं पुट ले लेता हूँ, लेकिन ये क्रॉस तो हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आप पुट मत लीजिए। आप यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लीजिए। यहाँ इसको लगाने का सबसे अच्छा फायदा ये है ना, मार्केट कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है ना मार्केट, कि मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो साइडवेज है, ये चीजें आपको पता चलता है इसमें। ये सेटअप को आप जरूर लगाइएगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड का मतलब ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड का मतलब नीचे जा रहा है, मार्केट साइडवेज है, तो इसको लगा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, तो उस ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। तो ये सेटअप को आप जरूर चेक करिएगा। बस आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जैसे ही अगर ये सीधा लाइन बने तो ऐसा जगह पर आप ट्रेड मत करिएगा, ऐसा बनना चाहिए। देखिए एकदम ये पूरा ऐसे ऊपर की ओर बना है, ये पूरा ऐसे क्रॉस ओवर हुआ है, पूरा टेढ़ा बना है ऐसे, तब आप ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये पूरा ऐसे नीचे की ओर बना है, तब आप ट्रेड लीजिए। देखिए पूरा ऊपर की ओर गया, तब लीजिए आप ट्रेड। देखिए अब ये सीधा सीधा बन रहा है, जब ये सीधा सीधा लाइन पर रहेगा ना तब आपको ये सेटअप में आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो आई होप आपको समझ गई मैं आ गया हुआ कि 915 EMA का यूज करके आप कैसे स्केल्पिंग स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड ले सकते हो। देखिए अभी आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, मान के चल लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे एंटर लिया, दूसरे जगह पे दिखाता हूँ आपको, चलिए मान के चलिए ये देखिए डाउन ट्रेंड में ही था मार्केट, आपने यहाँ कहीं पे एंट्री किया तो आप छोटा सा ऊपर में यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप, ठीक है। छोटा सा छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे आप जैसे नीचे आ रहा है लेकिन ये ऊपर की ओर चले गया ये, लेकिन फिर दोबारा डाउन ट्रेंड पे गया, तो आप डाउन ट्रेंड पे ही आप एंट्री कर सकते हो। डाउन ट्रेंड पे आप एंट्री कर लीजिएगा, छोटा छोटा आप इसमें प्रॉफिट बुक करते जाइए, क्योंकि देखिए स्केल्पिंग में आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट 5 10 15 20 इससे ज़्यादा आप ट्रेड करते तो वेट नहीं करते आप। स्केल्पिंग स्ट्रेटेजी में आप ऐसे करना, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके आपको निकलना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, मान के चलिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये कैंडल पे ट्रेड लिया, यहाँ पे लिया ये ऊपर की ओर गया, तब छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए। स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे लगाने का मतलब कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आना यहाँ पे टच कर रहा है तो तुरंत आप एग्जिट कर दीजिएगा, आप वेट मत करिएगा वहाँ पे। तो ये सेटअप को आप जरूर यूज़ करिएगा 915 EMA, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी सेटअप से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप भी ये सेटअप से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो नीचे जाएगा तो पुट, ऊपर क्रॉस ओवर का तो कॉल लेना है, ठीक है। आपको सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, बस अच्छा इस वीडियो पे ना एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे अपने वीडियो में और भी स्ट्रेटेजी बताया था जिसमें बॉक्स सेटअप बताया था, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जैसे मैं बॉक्स बनाता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, मैंने जैसे बताया था कि बॉक्स सेटअप में जहाँ पे बॉक्स बन रहा है एक ही कैंडल पे पूरा लाइन से चल रहा है, यहाँ पे जैसे बॉक्स बना और ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक भी करके नीचे जा रहा है, और यहाँ पे भी इसका आपको देख सकते हैं EMA में भी ये क्रॉस करके रेड नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ना आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा बॉक्स बनाते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। तो बॉक्स सेटअप का भी यूज करके आप यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, प्राइस एक्शन बॉक्स सेटअप, और देख लेते हैं बहुत जगह मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए ये अगर आपका बॉक्स बनता तो इतना बॉक्स बनता आपका, यहाँ से ये रेड कैंडल से यहाँ पे बनता आपका, देखिए
ये देखिए ये बॉक्स बना आपका यहाँ पे, ये रेड कैंडल, अब इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे भी देख सकते हैं क्रॉसओवर भी हुआ और इसका स्लोप देख सकते हैं पूरा ये ऐसे टेढ़ा बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से ना आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे भी देखिए सुबह मॉर्निंग मार्केट खुला, पूरा कैंडल लाइन से एक ही जगह था, क्योंकि देखिए ऐसा जगह पे आप ट्रेड लोगे ना तो मार्केट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। एक कैंडल लाइन से जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे देखिए वेट करिए, यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट दिया यहाँ पे कैंडल को, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉर्निंग फर्स्ट ट्रेड सेटअप में क्या है कि मॉर्निंग 9:15 में 5 मिनट का कैंडल जिधर ब्रेक करे उधर ट्रेड लेना, उस तरीके से भी सेटअप बना। यहाँ पे देखिए बॉक्स सेटअप से भी हमारा ट्रेड सेटअप बना। तीसरा देखेंगे ईएमए के क्रॉसओवर हुआ उससे भी सेटअप बना, तो तीनों तरीके सेटअप से आपका ट्रेड बना और यहाँ पे आराम से आपको 15-20 पॉइंट मिल जाता। तो इस तरीके से आप ट्रेड करिएगा, बॉक्स सेटअप भी लगा के देखिए और यहाँ पे क्रॉसओवर भी देखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।